दाल बाटी है, देखो कितनी अच्छी बनी है ये मूंग की दाल, आधी कटोरी, आधी कटोरी उड़द की दाल, एक कटोरी अरहर की दाल, तीनों दालों को मिक्स करके आज हम दाल बनाएंगे। दाल को वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, अच्छे से साफ करेंगे इसको, साफ करके कुकर में लगा देंगे। पानी डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दो टमाटर मैंने काट के रखे हैं महीन महीन, वो डालेंगे। एक चम्मच घी डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पे चढ़ा देंगे दाल बनने के लिए। मैंने आटा ले लिया है, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी बेसन लिया है और तीन कटोरी हमने चार कटोरी आटा लिया था। डालेंगे दो चम्मच नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे। आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, एक कटोरी दूध डालेंगे। दूसरी जो बाटी है हमारी बड़ी खस्ता बनती है, घी भी डाल दिया, मौन डाल दिया, सोडा से भी सॉफ्टनेस आती है। हमारा आटा तैयार हो रहा है। आटे को बहुत गीला नहीं बनाना है, थोड़ा सख्त सा रखना है। गैस पे पैन चला दिया मैंने, 102 चम्मच तेल डालेंगे। ये हम बाटी में भरने के लिए स्टफिंग बना रहे हैं। हम आज दो तरह की बाटियां बनाएंगे, एक सत्तू वाली बाटी और एक आलू वाली बाटी। मैं पहले सत्तू की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है इसमें, बहुत अधिक प्याज नहीं भूनना है, इसको आधा फ्राई करेंगे बस। सत्तू डाल देंगे एक कटोरी इसमें, सत्तू तो भुना हुआ है, थोड़ा सा इसको चलाना है, सौंधापन आ जाए इसमें। थोड़ा सा अदरक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कटी हुई हरी पत्ती धनिया डालेंगे इसमें, हरी धनिया। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई सत्तू की। अब आलू की स्टफिंग बनाएंगे, इसलिए 2 चम्मच तेल डाला मैंने, आधा चम्मच जीरा डाला, 102 हरी मिर्चा काट के डालिए, थोड़ी सी हल्दी और ये 3-4 आलू हैं मेरे, फोड़ के डाल दिए हमने। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, मटर डालेंगे थोड़ी सी, ये हम बाटियों में स्टफिंग करेंगे आलू के, और धनिया पत्ती डालेंगे इसमें, थोड़ा सा अमचूर पाउडर आधा चम्मच,
स्टफिंग तैयार हो गई है, हमारी दाल भी बनके तैयार हो गई है। इसमें दो सीटी लगाई, दाल भी तैयार हो गई है। अब दाल को फ्राई करेंगे। पैन चढ़ा दिया गैस पर, हमने 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे। आधा चम्मच जीरा डाला, 8-10 के लिए लहसुन की डालिए। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। लहसुन हल्का सा भुन जाए प्याज डालेंगे। ये 2 प्याज काट के डाले मैंने, महीन कर लिया इसको। प्याज को गोल्डन होने तक, सुनहरा होने तक भूनेंगे मीडियम आंच पर। आधा चम्मच गरम अदरक डाला है क्रश करके हमने, 1 हरी मिर्चा है, 2 हरी मिर्चा काट के डाली है। इसे 2 चम्मच घी डालेंगे। आधा चम्मच हींग डाला, हींग पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्चा, गरम मसाला आधी चम्मच, मटर डालेंगे आधी कटोरी, मटर को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे, हल्का सा नमक डालेंगे इसमें, थोड़ा सा मटर को सॉफ्ट करने के लिए ढक देंगे इसे, हमारी मटर सॉफ्ट हो जाएगी। हल्का सा पानी डाल लेंगे थोड़ा सा, मटर को देख लेंगे गल गई मटर हमारी, दाल डाल देंगे। दाल हमारी तैयार है। धनिया पत्ती डालेंगे इसमें। ये हमारी स्टफिंग तैयार है, आटा भी तैयार है। बाटी के लिए ओवन चढ़ा देंगे गैस पे गर्म होने के लिए। इसको प्रीहीट करेंगे पहले से। गैस पे चढ़ा दिया, वो गर्म हो रहा है, यहाँ बाटियां बनाएंगे। आटे की छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे। आज हम 2 तरह की बाटियां बनाएंगे, 1 आलू स्टफ बाटी और 1 शक्तु स्टफ बाटी। और 2 तरह से बनाएंगे, 1 ओवन में बनाएंगे और 1 अपे स्टैंड में बनाएंगे। स्टफिंग करने से एक तो अंदर पुलाई हो जाती है बाटी के अंदर, और कच्ची नहीं रहती है बाटी, और खाने में बड़ी स्वाद आता है, इसमें बहुत टेस्टी लगती है। मैंने सादा बाटी भी खाई और इस तरह से हम इसी तरह से बनाते हैं, तो ये बाटी खाने में बड़ी अच्छी लगती है। आप ही बना के देखिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आराम से भर जाती है स्टफिंग। अब शक्तु भर के बनाएंगे।
ओवन भी हमारा गर्म हो रहा है बगल में। बाटी अभी तैयार हो गई है। ओवन गर्म हो गया है। बाटियां एक एक करके सब लगा देंगे इसमें। गैस को स्लो कर देंगे। बाटियां पक रही हैं मध्य आंच में। बीच बीच में इनको पलटते भी जाएंगे। और जो पेस्ट स्टैंड होता है उसमें ही बन जाती है हमारी। आज उसमें ही बना के दिखाएंगे हम। और अगर अब पेस्ट स्टैंड भी ना हो, ओवन भी ना हो, तो हम आग में बना के बाटियां बनाई जाती है। आग में कंडे जलाकर रख दो तसले में। कंडे जला लीजिए और जब कंडे जल जाए तो उसमें बाटियां रख लीजिए, उसमें भी बड़े आराम से बन जाती है। ये मेरा चौका बनना है। चौका बनने के लिए गैस पे बैंगन और टमाटर रख दिए भूनने के लिए। इसका चौका बनेगा। आलू बैंगन टमाटर बाटिया सिक रही है, उनको पलट देंगे। इसको मीडियम आंच पे ही रखेंगे। बड़े आराम से सिक जाती है मटिया। मैंने गैस पे अब पेस्ट स्टैंड चढ़ा दिया है। आज इस पे भी बनाना दिखाएंगे आपको गोल गोल। भी पलटते जाएंगे और यहाँ भी बनाएंगे। इसके लिए गोल गोल बाटियां बनाते हैं, तो उस पर चपटी बनाते हैं। इस पे इसके लिए गोल बनाएंगे। आलू भर दिया इसके अंदर, सत्तू भी भर दिया, ढक देंगे इसे। चोखा की भी तैयारी हो रही है। पीछे टमाटर भी बन चुका है, आलू रख देंगे इस पे। ये उबले आलू है हमारे। आलू को पहले से बॉइल करके रखा था स्टफिंग के लिए, उसी में से ये आलू रख दिए हैं। इससे अच्छे भुन जाएंगे, बढ़िया सौने सौने हो जाएंगे। आलू को पलट देंगे। मिर्चा भी रख दिए दो मैंने चोखा मिलाने के लिए। यहाँ अब पे स्टैंड वाले भी अब पलट दिए, उनको फिर से ऑयल डालना है इसमें। इनमें ऑयल डालना पड़ता है अब पे की तरह। ये चोखा तैयार हो रहा है, नीचे बैगन भी छिल रहा है। बैगन को देख लिया है काट के चाकू से। टमाटर भी छिल गया है, आलू भी छिल गया। सबको मिला के चोखा बनाने। बाटिया को सिक गई है तो और निकाल लेंगे कैसरोल में। अब पे स्टैंड की भी बाटियां सिक गई है, थोड़ी सी बची है। हमारी थाली तैयार होगी। चोखा तैयार हो गया है, तो चोखा में नमक मिर्चा धनिया सब डाल के बढ़िया चोखा तैयार कर दिया मैंने। एक कटोरी में घी लिया, घी में डब कर करके बाटियां निकालेंगे। मेरे पापा जी की थाली लग रही है, उनका ऑर्डर आ गया नीचे से खाने का।
गुड़ रख दिया है, भरता रख दिया, चोखा रख दिया, चटनी। ये हमारी सत्तू वाली बाटी है, वो कैसी अच्छी बनी है। ये आलू वाली बाटी कैसी अंदर से पोली हो जाती है। ये हमारी अब पेस्ट की बाटी बनकर तैयार हो गई है। ये कैसी बन गई है, बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया। ये चूरमा बन रहा है। ये हमने रोटियां बनाई थी, 5-6 रोटियां बनाई थी उनको मौन लगा के, और इसी आटे की, और इसको बढ़िया बना लिए, मध्य आँच में सेक लिए, गुड़ डाला है इसमें, घी डाला है और कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के डाले हैं, और हाथ से मल लिया है उनको बड़े अच्छे से। ये चूरमा भी तैयार हो गया हमारा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और जो बीच में गोल बटन दिख रहा है उसको प्रेस करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।